सर ऐसा है कि यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश के हर जिले हर ब्लॉक में हम लोग टीम का गठन करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जिला विधानसभाओं में नियुक्त इलेक्शन हुए हैं। इसके अलावा जो नीचे के ब्लॉक स्तर में है उसको लेकर हम लोग मजबूती के साथ नीचे जाने वाले हैं। उसको लेकर आज युवाओं के साथ बैठक की गई है और अभी मीटिंग के बाद फिर से हम लोग साथ में बैठेंगे और किस प्रकार से नीचे तक संगठन को बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए युवाओं में तो बहुत से युवाओं ने किया है, आम आदमी पार्टी से चुनाव पार्षद चुनाव लड़ने वाले बड़े भाई ने भी पार्टी ज्वाइन की है। जिला अध्यक्ष सूरज यादव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है और हम सभी का स्वागत करते हैं जिन्होंने आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सदस्य ली। ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसकी रणनीति क्या? देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार का निर्देश यूथ कांग्रेस को देगा उस प्रकार से हम काम करेंगे। 10 सीटों में उपचुनाव है, यूथ कांग्रेस हर बार की तरह विधानसभाओं में हम लोग यूथ कांग्रेस के लोगों की ड्यूटी लगाएंगे, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, सारे लोग उस विधानसभा में जाकर काम करेंगे। हम लोग भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हम लोग को आदेश मिलेगा, हम लोग उस विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। सर कितने सीटें मिलेंगी? सर ये तो राष्ट्र नेतृत्व तय करता है, हम लोग तो यूथ कांग्रेस संगठन में है और जैसा निर्देश हमको मिलेगा, लेकिन ये है कि जितनी भी सीटें हमें मिलेगी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो हम लोग जीतेंगे। इस प्रकार से क्योंकि लोकसभा में आपने देखा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर आप फाइट करेंगे? सर जो भी मैं आपको बताया कि चुनाव में टिकट्स को लेकर जो भी निर्णय है वो राष्ट्र नेतृत्व का निर्णय होता है, तो जो आप इंडिया गठबंधन के घटक जी 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 और बड़े दल है समाजवादी क्षेत्रीय दल में वो सबसे बड़ा है, तो 10 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास आए? देखिए लोकसभा में सर इंडिया गठबंधन ने जो सफलता अर्जित की है उससे निश्चित तौर पर अच्छी सीटों का बंटवारा होगा। जो भी राष्ट्र नेतृत्व का फैसला होगा जितनी भी सीटें हम लोगों को मिलेंगी जो अलायंस में भी रहेंगी वो सभी सीटें हम लोग जो है वो जीतेंगे। 6 सीटों की डिमांड शायद कांग्रेस की तरफ से हो रही है ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, ये सही है? सर इसके बारे में तो राष्ट्र नेतृत्व ही बता पाएगा कि कितने सीटें चाह रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी से कोई सवाल पूछिए जहां वो फंसता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को डाल देता है। सर मैं हाँ बात करेंगे उनका जैसा आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से करेंगे। जी सर मैं क्या क्या संगठन में जिला लेवल पर या मंडल लेवल पर या प्रदेश लेवल पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्वयं निर्णय ले सके लोकल लेवल पर? आपको एक घटना का जिक्र कराए, गोरखपुर के अंदर 4 घंटे में 2 घटनाएं हुई, 2 मर्डर हुआ, आपके जिला अध्यक्ष से पूछा उन्होंने कहा शीर्ष नेतृत्व से बात करके ऐसा उसका निर्देश होगा हम उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे, तो ये क्या? सर देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि हम लोग युवा कांग्रेस संगठन के हैं और युवा कांग्रेस चाहे टिकट बंटवारा हो चाहे सीटों का जो आवंटन हो उसको लेकर हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सीनियर लीडर तय करते हैं। चाहे अपराध की बात हो चाहे बेरोजगारी की बात हो उसको लेकर जो प्रदेश में आंदोलन खड़ा करना है, किस प्रकार से हम लोगों को सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है उसको लेकर हम लोग मैदान में रहते हैं। सर मिडिल क्लास फैमिली तो वहीं की वहीं रह गई, गरीबों को कुछ मिला नहीं और बजट तो झुंझुना बजट है ये हर बार की तरह, तो जनता का कुछ फायदा होना नहीं है। आने वाले उपचुनाव में भी इसका असर आप लोगों को दिख जाएगा जिस प्रकार से लोकसभा में दिखा। गवर्नमेंट के लिए भी तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए जो ओपीएस का डिमांड है उसके बारे में आपका क्या राय है? सर देखिए इस बार ऐसा है कि सरकार से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो चाहे मध्यम वर्गीय लोग हो चाहे गरीब वर्ग हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो उम्मीदें छोड़ चुके हैं। अब उन लोग इस चीज को लेकर निर्णय बांध चुके हैं कि आने वाले समय में सरकार हमें बदलना है और सरकार बदलने से जो है वो सभी लोगों सभी वर्गों का भला होगा। मैं मिलिंद गौतम राष्ट्र सचिव उत्तर प्रदेश पूर्वांचल प्रभारी। आज का जो कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम है? जी आज यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारी बैठक थी जिसकी समीक्षा करने के लिए यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारी कितनी बेहतर है और कितनी इसमें कमियां हैं इसकी बैठक करने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन के प्रभारी माननीय मिलिंद कुमार गौतम जी आपके सामने अपनी बातों को रखा है और एक बैठक जिला कार्यकारी बैठक थी यूथ कांग्रेस में। गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के लोग दिख नहीं रहे। जी गोरखपुर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग नहीं, बहरहाल है यूथ कांग्रेस की मीटिंग है और जो इसमें हमारे मेन बॉडी के लोगों ने आया हमें आशीर्वाद देने के लिए उन सभी का स्वागत है और मैं उन सभी का या बेटा या भाई या जो भी छोटा कार्यकर्ता हूँ उन लोगों के नेतृत्व में हमने काम नहीं किया है और उन लोगों के नेतृत्व में फिर आगे भी काम करेंगे। गोरखपुर
महिला विंग के भी तो मीटिंग नहीं थी, लेकिन महिला के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे जी। हमें जिला अध्यक्ष नहीं मौजूद है, जिला से कोई हमको बड़ा लीडर दिखा नहीं जी। पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश यादव जी जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जी, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश यादव जी थे, वर्तमान की बात जिला उपाध्यक्ष की तरफ इंगित, जिला उपाध्यक्ष माननीय निर्मला पासवान जी की तरफ इंगित कर रहा हूँ जी। माननीय पूरे कार्यक्रम में कहीं दिखे नहीं जी। माननीय हमारी जिला अध्यक्ष आदरणीय दीदी निर्मला पासवान जी का कार्यक्रम पहले से तय था और विभिन्न ग्रामीण इलाकों में जा जाके ब्लाकों ब्लाकों पे वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उनका पूर्व में पहले से कार्यक्रम तय होने के नाते वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, इसके लिए जो है कि उन्होंने हमें सूचित भी किया। तो हम ये मान लें कि ये यूथ कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है ऑल ऑफ सडन आज 10 बजे इसको डिसाइड किया गया और अभी 3 बजे प्रोग्राम कर दिया गया। नहीं नहीं, ये मीटिंग तो पहले से डिसाइड था, यह मीटिंग पहले से तय थी और इस मीटिंग में यूथ कांग्रेस के सम्मानित साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाने की और कार्यकारी के लोगों को ला के जोड़ने की ये मुहिम थी। और माननीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव जी ने हम सबको आश्वासन दिया कि आप लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा बेहतर संख्या में लाइए और हम आप सभी का स्वागत करते हैं और जो भी कमियां रहेंगी हमारी आपकी और हम उसे जो कि आप लोगों के साथ जुड़ के आपकी मदद भी करेंगे और इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे भी आपको जो भी हमारी मदद की आवश्यकता होगी मदद करेंगे। तो क्या हम ये मान के चले कि यूथ कांग्रेस में और जिला कांग्रेस कमेटी में राह चल रही है? कोई राह नहीं चल रही, कोई राह नहीं चल रही। हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारी गार्जियन है और मैं उनके नेतृत्व में आपको बता दूं मैं ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूं। फिर वही सवाल है, इस प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति नहीं है ना उस कार्यकारिणी से किसी विशेष जो सदस्य है उनकी उपस्थिति है। जिला कांग्रेस कमेटी वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप तौकीर आलम जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और माननीय दीदी निर्मला पासवान जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी कमेटी के बहुत से लीडर और कार्यकर्ता और सहयोगी साथी इस कार्यक्रम में आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि दीदी का कार्यक्रम पहले से तय था वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। उनका सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारा शुभ नाम सूरज यादव, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोरखपुर।